रिसर्च से पता चला कि 60-70% लोग ऐसे हैं जिनको पिंपल होने का कारण ये डैंड्रफ ही है, और वो लोग डैंड्रफ को ट्रीट नहीं करते हैं इसलिए पिंपल की प्रॉब्लम दूर नहीं होती है। तो अगर आपको डैंड्रफ है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि क्या क्या रीजंस हैं जिससे आपको डैंड्रफ हो रही है और कैसे आप इसे छुटकारा पा सकते हैं। डैंड्रफ होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि पुअर हाइजीन। आप बालों को अच्छे से वॉश नहीं करते, कई बार वॉश करते हैं तो ढंग से आप शैम्पू नहीं निकालेंगे, कंडीशनर नहीं निकालेंगे, तो ऐसे में आपको डैंड्रफ हो जाएगी। बहुत ज़्यादा ड्राई स्कैल्प रहता है, उससे भी आपको डैंड्रफ हो जाती है। बहुत ज़्यादा ऑयली स्कैल्प है, बहुत ज़्यादा सीबम का प्रोडक्शन है अगर आपके स्कैल्प में, तब भी आपको डैंड्रफ हो जाएगी। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, ढंग से कॉम्बिंग नहीं करते हो, ये भी एक रीज़न है डैंड्रफ होने का। और कई बार हम शैम्पू नहीं कर रहे हैं फिर भी बालों को गीला कर लेते हैं और ढंग से उसको ड्राई नहीं करते हैं। स्पेशली गर्ल्स नहाते टाइम अगर बालों को गीला कर लेती हैं, बड़े बड़े बाल होते हैं तो ऐसे में इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बालों को ज़्यादा गीला नहीं कीजिए, जब आप वॉश करती हैं तभी गीला करें। तो ये सारे रीजंस हैं जिससे कि डैंड्रफ हो जाती है। जो डैंड्रफ होती है उसमें आपको ईचिंग बिल्कुल नहीं होती है, सिर्फ आपको वाइट वाइट पार्टिकल्स दिखने लगेंगे और पता भी नहीं चलेगा कि बालों में कुछ है भी या नहीं। जो दूसरी होती है उसमें हल्की हल्की आपको ईचिंग होती है। तो ये जो माइल्ड डैंड्रफ है इनको आप ईजिली घर पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे ट्रीट कर सकते हैं, जैसे कि आप कर्ड से इसको ट्रीट कर सकते हैं। कर्ड लीजिए, बालों में अच्छे से मसाज कीजिए उसको, स्कैल्प पे और पूरे बालों पे अच्छे से मसाज करके आधा घंटे तक लगे रहने दीजिए और फिर आप उसको वॉश कर दीजिए। वॉश करने के लिए आप माइल्ड शैम्पू का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप प्लेन वाटर से भी वॉश करेंगे तो चल जाएगा। अगर आपको ईचिंग भी है साथ में तो आप कर्ड में लेमन मिक्स करके बालों पे अच्छे से मसाज कर दीजिए, इसको भी आधा घंटे तक लगे रहने दीजिए और वॉश कर लीजिए। फिर अगर आपको माइल्ड डैंड्रफ का प्रॉब्लम है तो आप ग्रीन टी भी यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन टी लीजिए और स्प्रे बॉटल में फिल करके या फिर रिंस करके आप बालों पे इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसको भी आप आधा घंटे तक लगे रहने दीजिए और वॉश कर लीजिए। इससे आपकी जो माइल्ड डैंड्रफ की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो नारियल के तेल में कुछ फूल है आप लेमन की मिक्स करके आप अच्छे से मसाज कर सकते हो और इसको एक दो घंटे तक भी लगे रहने देंगे तो चलेगा, और फिर आप वॉश कर दीजिए, आपकी ईचिंग की प्रॉब्लम, आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम तुरंत चली जाएगी। और एक और जो तरीका है वो भी काफ़ी अच्छा है, आप एप्पल साइडर विनेगर बालों में यूज़ कर सकते हैं। एप्पल साइडर विनेगर को वाटर के साथ डाइल्यूट कीजिए और स्प्रे वाटर में फिल कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट रिंस कर सकते हैं, इससे भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और ये जो तरीके हैं अगर आप वीक में 2-3 बार करते हैं तो आपकी जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम है काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा ही डैंड्रफ रहती है और इतनी डैंड्रफ रहती है कि वो झड़ने लगी है, बहुत ज़्यादा ईचिंग की प्रॉब्लम रहती है, तो आप ये सारे चीज़ें भी कर सकते हो। साथ ही साथ कुछ ऐसे शैम्पू हैं जिससे कि आप डैंड्रफ से छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊँगी कि सेल्समैन शैम्पू, मुझे बहुत ज़्यादा डैंड्रफ का प्रॉब्लम था, मैंने इसको यूज़ किया, इसका एक वीडियो भी है, सेपरेट वीडियो है, रिव्यू किया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है और सब कुछ ट्राई कर लिया नहीं जाती है तो आप इस शैम्पू को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, मैं बहुत टाइम हो गया, जब भी मुझे डैंड्रफ होती थी तो मैं हेड एंड शोल्डर शैम्पू यूज़ करती थी, और हेड एंड शोल्डर शैम्पू से हो सकता है कुछ लोगों के बाल थोड़े से ड्राई हो जाएं, पर डैंड्रफ जाती है। ऐसा नहीं है कि डैंड्रफ जाने बाद दोबारा नहीं आएगी, आ भी सकती है, पर कुछ टाइम के लिए आपको डैंड्रफ से छुटकारा मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है डव का एंटी डैंड्रफ शैम्पू,
ये बालों को ड्राई भी नहीं करता है, अच्छे से डैंड्रफ को रिमूव करता है। तो ये तीनों शैम्पू ऐसे हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, इसको दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपके बाल में और ज़्यादा इन्फेक्शन होने लगेंगे, आपकी स्किन और ज़्यादा डैमेज होने लगेगी। इसलिए टाइम से इसको ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो क्या करना है, जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।